अब बेटा देखिए, दूसरी जो सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देखती हैं, वो दो सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देखती हैं, सॉरी जो डिफेंस का काम देखती हैं उनको हम लोग WBC कहते हैं, मतलब ब्लड में एक सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देख रही हैं, पैथोजन से लड़ने का काम देख रही हैं। तो WBC का अगर आप पूरा नाम देखें तो इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या इन्हें लीकोसाइट्स कहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये व्हाइट किस कलर की होती है, तो अगर आपसे आपसे कोई पूछे कि व्हाइट क्यों होती है, तो आप कहेंगे सर दे आर व्हाइट इन कलर, वो सफेद कलर की होती है। दे आर व्हाइट इन कलर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सफेद कलर की आपको ब्लड में दिखाई पड़ेंगी, इसीलिए इनको हम लोग लिकोसाइट्स भी कहते हैं। ये देखिए सबसे पहला कमेंट ये आपकी NCERT ने पेश कर दिया आपके सामने। ये देखिए सबसे पहला कमेंट आ गया कि सफेद कलर की है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर इनके और बात किया जाए कि अगर हम लोग इनका टोटल लिकोसाइट काउंट देखें, ध्यान दें, टोटल एक बात आप ध्यान दें, ये हमेशा न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। सर्कुलर होती है, इसका भी ध्यान रखना है, न्यूक्लिएटेड होती है और सर्कुलर होती है। अब इसी तरह ये डीन्यूक्लिएटेड नहीं होती है। इन्हीं का जब अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर हो गया है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी इन्हीं से ही जो है सैंपल जब ब्लड लेते हैं तो ब्लड में WBC का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इनके पास है, DNA इनके पास है। तो अगर आप इनका टोटल लिकोसाइट काउंट देखें, टोटल लिकोसाइट काउंट मतलब हमारे ब्लड में टोटल WBC की संख्या क्या है, तो टोटल लिकोसाइट काउंट को हम लोग शॉर्ट में TLC कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये अक्सर आपको डॉक्टर जो है कभी आपकी रिपोर्ट जब लिखता है तो आपकी कॉपी पे लिखा रहता है TLC, जो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है उस पर TLC लिखा रहता है। TLC माने कि टोटल ब्लड में हमारे 100 ml ब्लड में कितनी जो है WBC होनी चाहिए। आप इस बात को सामान्य सब भी आदमी समझ सकता है, आप तो बायो के जीनियस स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम देखें तो 6000 से लेके 8000 WBC होनी चाहिए पर क्यूबिक एमएम ब्लड में हमारी बॉडी में, 6000 से लेके 8000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड में हमारी बॉडी में WBC होनी चाहिए। 6000 से 8000 जो है ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, टीएलसी है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं। ये देखिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, आपने अगर पढ़ा होगा तो इनके 5 टाइप होते हैं, उन 5 टाइप का जब अलग अलग परसेंटेज देखते हैं तो उसे हम लोग DLC कहते हैं। ये देखिए डॉक्टर आपकी रिपोर्ट पे ये भी लिखता है, मतलब कभी आप टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको DLC दिखाई पड़ता है, तो नंबर ऑफ ईच सेल्स इन 100 WBC। अगर आप 100 WBC में सबके अलग अलग संख्या देखते हैं तो इसे हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं, सॉरी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट या DLC कहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, सबसे ज्यादा ये देखिए एक सेल होती है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स 5 तरह की सेल्स में जिनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ये देखिए 60 से 65% है। दूसरा जो बड़ा परसेंटेज है वो लिम्फोसाइट्स का है। लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप है, मैं आपको भी पढ़ाता हूं। लिम्फोसाइट्स का जो दूसरा परसेंटेज है वो है 20 से 25%। ये देखिए तीसरा जो परसेंटेज है वो मोनोसाइट्स का है। तीसरा बड़ा परसेंटेज है मोनोसाइट्स का, ये 6 से 8% है। NCERT आप लाएंगे लिखा हुआ है मोनोसाइट्स का तीसरा बड़ा परसेंटेज है। फिर चौथा जो परसेंटेज है वो इओसिनोफिल्स का है या एसिडोफिल्स का है। ये इओसिनोफिल्स का जो परसेंटेज है ये लगभग है 3 से 4%। सबसे कम परसेंटेज जिसका है वह है वेसोफिल्स का।
लीस्ट परसेंटेज है। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है, ये देखिए 0.5 से 1.0%, मतलब सोचिए 6000 सेल्स में ये 6 सेल्स होंगी बेसोफिल्स। तो अगर आपसे कोई कंसंट्रेशन का पूछे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, न्यूट्रोफिल का 60 से 65% है, 60 से 65% है। पहले मैं लिख दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी एनसीईआरटी से लिखी गई है। तो न्यूट्रोफिल 60 से 65% है, लिम्फोसाइट्स 20 से 25% है, मोनोसाइट 6 से 8% है, यूसिनोफिल 3 से 4% है, बेसोफिल 0.5 से 1.0% है। जब सबका अलग अलग परसेंट देखते हैं 100 सेल्स में, 100 WBC सेल्स में सबका अलग अलग परसेंट देखते हैं तो उसे DLC कहते हैं, सबका एक साथ देखते हैं तो उसे हम लोग TLC कहते हैं। मैं आपको बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा कि कैलकुलेशन ये है कि 600 RBC पे 1 WBC होती है। ये है रेशियो बॉडी में RBC WBC का, मतलब अगर आपकी बॉडी में 600 RBC है तो उसपे एक ही WBC है। अब इसमें मात्र 2 सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देखती हैं। कौन कौन से सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देखती हैं? देखिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये मात्र 2 सेल्स हैं, 2 तरह की सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, जो फेगोसिटिक इन नेचर है। ये देखिए, आपको एनसीईआरटी में ये भी बात याद करनी है, ये बात एनसीईआरटी है, आपको ध्यान रखना है, ये बात एनसीईआरटी की है। 2 सेल्स हैं जो डिफेंस का काम देखती हैं। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका, हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? न्यूट्रोफिल्स का है। लीस्ट परसेंटेज किसका है? बेसोफिल्स का है। ये भी आपको याद करना है। लेकिन अगर आप साइज की बात देखें तो सबसे बड़ी साइज मोनोसाइट्स की है, सबसे छोटी लिम्फोसाइट्स की है। अगर मैं आपको देख तो बता दूं यहां पर कि अगर आप इस ग्राफ को इसे यहां पर बंद कर दें तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इन सेल्स में अगर आप इनसे आके देखेंगे तो जो लार्जेस्ट साइज है, जो सबसे बड़ी साइज है, वो है मोनोसाइट्स की। मतलब इन पांचों में सबसे बड़ी साइज कौन सी है? मोनोसाइट्स की है। लेकिन सबसे छोटी साइज की है, स्मॉलेस्ट साइज की है, वो है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी या बड़ी साइज की है, लिम्फोसाइट सबके छोटी साइज की है। ये बात भी आपको याद करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बिना याद किए आपका कल्याण नहीं है मेरे दोस्त, समझ लो मेरे दोस्त, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। आइए देखा जाए, अब ये मैंने आपको सिखा दिए, अब आपको ये पढ़ना है लीकोपोइसिस क्या होता है। मान लो कहीं लिखा रहे लीकोपोइसिस क्या है, तो आप सोचेंगे यार ये लीकोपोइसिस कहां से घुस गया। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ WBC देखें, फॉर्मेशन ऑफ WBC के फॉर्मेशन को हम लोग लीकोपोइसिस कहते हैं, सिंपल सी बात। एरिथ्रोपोइसिस RBC के फॉर्मेशन को, लीकोपोइसिस WBC के फॉर्मेशन को कहते हैं। तो ये इसकी बेसिक बात हो गई। अगर हम इसका लाइफ स्पैन देखें, सबका लाइफ स्पैन कितना दिन जिंदा रहती है, तो लाइफ स्पैन इनका कम होता है, ये ज्यादातर 1 से 2 वीक में जिंदा रहती है, फिर इन सबकी डेथ हो जाती है 1 से 2 वीक में। अगर हम लोग टाइप देखें, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी देखें, तो ये 2 तरह की है, न्यूक्लियस और ये देखिए 2 तरह की है। किस आधार पर इनका डिवीजन हुआ है? न्यूक्लियस डिवीजन जो है 2 आधार पर है, न्यूक्लियस एंड टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स। न्यूक्लियस एंड टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स के आधार पर इनका डिवीजन हुआ है। कौन सा ग्रेन्यूल्स है? माइलिन ग्रेन्यूल्स जो है पाए जाते हैं। तो पहली होती है जिसे हम लोग ग्रेन्युलर कहते हैं, ये देखिए ग्रेन्युलर कहते हैं, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। दूसरी होती है जिन्हें हम लोग एक ग्रेन्युलर कहते हैं, ग्रेन्युलर और एक ग्रेन्युलर। ये किस ग्रेन्युल की बात हो रही है? एक खास तरह का ग्रेन्युल होता है जिसे हम लोग माइलिन ग्रेन्युल्स कहते हैं या माइलॉयड ग्रेन्युल्स कहते हैं। ये खास तरह की फैट है, आप ये समझ लीजिए फैट है। कहां पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। इन्हीं साइटोप्लाज्म के
कि फैट के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। अगर माइलिन ग्रेन्यूल्स है तो उसे ग्रेन्युलर कहते हैं, माइलिन ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसे एग्रेन्युलर कहते हैं। तो अब आप अगर देखिए तो ग्रेन्युलर पे तीन टाइप की है, तीनों का नाम आप चाहे लिख लें ऐसे नाम लिख लें। पहला नाम होता है जिसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, ये पहला टाइप हो गया न्यूट्रोफिल्स। जो दूसरा टाइप है इसका अगर आप देखें तो उसे इओसिनोफिल्स कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं, या इसी को हम लोग एसिडोफिल्स कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं या एसिडोफिल्स कहते हैं। इसका जो तीसरा टाइप है उसे हम लोग वेसोफिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वेसोफिल्स कहते हैं। ये देखिए वेसोफिल्स कहते हैं जो तीसरा टाइप है। तो तीन टाइप हो गए ग्रेन्युलर में, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, वेसोफिल्स। अगर आप ग्रेन्युलर देखते हैं इसके फर्दर दो टाइप है, पहला साइट है टाइप है जिसे हम लोग मोनोसाइट्स कहते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है उसे हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये फर्दर दो तरह की होती है अगर आप देख लें तो, एक होती है जिन्हें हम लोग बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती है जिन्हें हम लोग टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये देखिए तो अब आपको पढ़ना क्या है, मैंने बताया ग्रेन्युलर मतलब कौन से ग्रेन्युल्स पड़े हैं, माइलिन ग्रेन्युल्स इनके उसे पड़े हुए क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म पड़े हैं तीनों के, इसलिए इनका नाम है। ये ग्रेन्युलर जो होती है ये पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होती है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होती है मतलब इनके शेप न्यूक्लियस के शेप की साइज बदल जाती है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर होती है। लेकिन ये जो होती है ये मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर होती है या मोनो न्यूक्लियर होती है। ये देखिए तो अब आपके सामने ये पांच तरह की सेल्स है जिनका स्टडी हम लोगों को अलग अलग करना है। पहले पढ़ना है न्यूट्रोफिल्स इनका डिटेल, इओसिनोफिल्स, एस्टोफिल्स, वेसोफिल्स पढ़ने हैं, मोनोसाइट्स पढ़ने हैं, और फिर अगली पढ़नी है लिम्फोसाइट्स। ये जो सेल्स के नाम है स्टिक बेसिक इनका भी आप कॉन्सेप्ट सीख लें। एक डाई होती है जिसको हम लोग कहते हैं इओसीन डाई, ये डाई जो है इओसीन डाई ये एसिटिक डाई है, मतलब एसिटिक डाई है, एसिटिक नेचर की है। तो अगर हम ब्लड में इस डाई को डालें जो सेल्स कलर हो जाए उन्हें इओसिनोफिल्स या एस्टोफिल्स कहते हैं। इओसिनोफिल्स डाई के नाम पे कहते हैं, एस्टोफिल्स उसके नेचर के आधार पे कहते हैं। दूसरी डाई है जिसका नाम मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू है। ये जो डाई है ये बेसिक डाई है, अगर हम इसको ब्लड के ऊपर डालें और जो जो सेल्स कलर हो जाएं, स्टेन हो जाएं, उन सेल्स को हम लोग वेसोफिल्स कहते हैं। और वो सेल्स जो इन दोनों डाई से मिलकर मतलब स्टेन होती हैं, उनको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स माने वो सेल्स जो स्टिक और बेसिक डाई दोनों के डालने पर रिप्रेजेंट होती है, उन सेल्स को हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। इस तरह से आप देखें तो ये जो WBC है या लिकोसाइट्स है ये पांच तरह की है। जनरल तो दो तरह के हैं, ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर में न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। एग्रेन्युलर में दो तरह की हैं, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। आइए एक एक सेल की अच्छे से स्टडी करते हैं और सीखते हैं किस सेल का क्या फंक्शन है। आइए आइए अब WBC में पहले ग्रेन्युलोसाइट्स को देखते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में तीन हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। फिर उसके बाद हम लोग एग्रेन्युलोसाइट्स देखते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइलिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, माइलिन ग्रेन्यूल्स। एक खास तरह की फैट है ये, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म पाई जाती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब इनके टाइप देखा जाए, तीनों के टाइप क्या है। पहली जो है उसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ये देखिए ये पहली टाइप, सबसे पहली जो सेल है उसे हम लोग न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। अगर आपके मन में ये प्रश्न आए कि इसे न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स इसलिए कहते हैं कि स्टेन्ड बाई बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। मतलब इस सेल को कलर करने के लिए, समझने के लिए, ब्लड में पहचानने के लिए आपको दोनों डाइस का इस्तेमाल करने पड़ेगा, एसिटिक डाई का और बेसिक डाई का।
अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह की डाइज होती हैं। एक डाई होती है जिसे हम लोग ईओसीन डाई कहते हैं, ये डाई जो होती है एस्टिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? एस्टिक नेचर की होती है। दूसरी जो डाई होती है उसका नाम मिथालिन ब्लू है, मिथालिन ब्लू है। इन्हीं डाइज के नाम पर इंसेंस का नाम रखा गया है, मिथालिन ब्लू है। ये डाई बेसिक डाई होती है, ये देखिए बेसिक डाई होती है। अब जब आपको न्यूट्रोफिल्स पहचानना है तो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो दोनों डाई से कलर होती है, मतलब एस्टिक डाई से भी बेसिक डाई से भी कलर होती है। अगर आप दूसरा कमेंट देखें तो 60-65% ऑफ टीएलसी, टीएलसी में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का ये 60-65% बनाती है। मतलब अगर आप देखें तो ये सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, हाईएस्ट परसेंटेज है, ये इन सेल्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज पाया जाता है डीएलसी में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में सबसे ज्यादा इनका परसेंटेज पाया जाता है। दूसरी बात आप देखिए, अगर आप इनके न्यूक्लियस को देखिए, न्यूक्लियस जो होता है तो इनका न्यूक्लियस जो होता है वो 5 लोब्ड होता है। मतलब जब ये बन जाती है तो इनके न्यूक्लियस का लोब 5 लोब्ड होता है। अगर आप सेल बनाते हैं तो इस तरह से आप सेल बना दें, इसके आप अंदर मेरा नाम लिख दें, मेरा नाम आप जान ही रहे, एनकेटी लिख रहे हैं, आप ऐसे एनकेटी लिख दीजिए। ऐसे कुछ दिखता है इनका न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में माइलिन पड़ी हुई है। तो अगर आपको न्यूक्लियस लिखना है तो आप सबसे पहले लिख दीजिए ये जो न्यूक्लियस है ये 5 लोब्ड है। इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियस 5 लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स का डाइज किससे कलर करते हैं? एस्टिक और बेसिक डाई दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इनके न्यूक्लियस में एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रम स्टिक कहते हैं। चाहे आप इसे ड्रम स्टिक कहें या चाहे इसे आप बार बॉडी कहें, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये फीमेल्स के न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। तो अगर आपको लिखना हो कि ड्रम स्टिक क्या है, ड्रम स्टिक मतलब ड्रम को बजाने वाली जो स्टिक होती है उसी तरह दिखाई पड़ती है, या ये बार बॉडी कही जाती है। बार बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको खोजा था, डिस्कवर्ड बाय यम्बार, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है यम्बार, उन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था, इसलिए इसको हम लोग बार बॉडी कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय यम्बार। दूसरी बात देखिए, ये एक तरह की हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है। अगर आपसे पूछे कौन सी हेट्रोक्रोमेटिन है तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। फैकल्टेटिव इसलिए कहते हैं बेटा, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था क्रोमेटिन दो तरह के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है क्योंकि फीमेल्स के ही डब्ल्यूबीसीन पाया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी ऑफ 3% न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल्स। आप इस आधार पर बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके मात्र 3% न्यूट्रोफिल्स में आपको ये दिखाई पड़ेंगी, मतलब मेल में ये नहीं दिखाई पड़ती हैं। आपका मन कहेगा सर ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका? तो रीजन समझ लीजिए, बारबाड़ी निकालने का फार्मूला होता है, बारबाड़ी अगर आपको निकालना है तो बारबाड़ी को निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, ये है फार्मूला। अगर आप फीमेल्स का केस देखें, नॉर्मल फीमेल अगर आप देखें तो नॉर्मल फीमेल में अगर आप देखें, ये देखिए नॉर्मल फीमेल का क्या प्लॉयडी होता है, तो आप कहेंगे सर नॉर्मल फीमेल होती है 44+XX, कितने एक्स क्रोमोसोम है 2, फार्मूला देखिए नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। तो अगर इस फीमेल में आप बारबाड़ी देखना चाहते हैं, क्या किसमें फीमेल में बारबाड़ी है कि नहीं है, जी एक्स क्रोमोसोम कितने हैं 2 है, -1 करेंगे बारबाड़ी 1 आएगी, इसका मतलब ये फीमेल जो है वो फर्टाइल है। ये देखिए अगर आप नॉर्मल मेल में इसे देखें, नॉर्मल मेल में इसे देखें कि नॉर्मल मेल में बारबाड़ी की क्या स्थिति है, तो आप कहेंगे सर ये 44+XY है। मैं अगर आपसे पूछूं कितने एक्स क्रोमोसोम है, तो आप कहेंगे सर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है,
इस तरह से आप बारबॉडी अगर आप चेक करते हैं किसी नॉर्मल मेल में बारबॉडी, तो ये देखिए 1-1=0, आप कहेंगे कि सर ये जो मेल है ये भी फर्टाइल है। ये देखिए अगर मेल में बारबॉडी संख्या 1 हो जाए, बारबॉडी संख्या 2 हो जाए तो मेल स्टराइल हो जाएगा, फीमेल से बारबॉडी संख्या अगर 0 हो जाए या 2 हो जाए तब भी स्टराइल हो जाएगी। मतलब अगर कोई फीमेल फर्टाइल है तो उससे बारबॉडी संख्या 1 है उसके न्यूट्रोफिल्स में, और अगर मेल फर्टाइल है तो उसमें बारबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनका फंक्शन देखें तो मैंने पहले ही बताया था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फेगोसिटिक होते हैं, कैप्चर एंड किल फॉरेन पार्टिकल्स, फेगोसिटिक। ये हो गया फंक्शन। तो ये पहली सेल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बारबॉडी पाई जाती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप दूसरी सेल देख रहे हैं तो दूसरी जो सेल्स है न्यूट्रोफिल्स के बाद, न्यूट्रोफिल्स के बाद जो दूसरी सेल है उसका नाम है वेसोफिल्स, वेसोफिल्स नाम है। ये देखिए वेसोफिल्स है, वेसोफिल्स इसलिए कहते हैं कि स्टेन्ड बाई बेसिक डाई, स्टेन्ड बाई कौन सी डाई, बेसिक डाई। बेसिक डाई का नाम क्या है, कौन सी डाई है जिससे आपने इसको कलर किया? आप कहेंगे क्या सर आपने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है, इस डाई का नाम मिथाइलिन ब्लू है। ये देखिए डाई का नाम मिथाइलिन ब्लू है, इसी डाई से इस वेसोफिल को कलर करते हैं, बेसिक डाई से कलर करते हैं इसलिए इसको वेसोफिल्स कहते हैं। अगर आप इसका देखें परसेंटेज तो 0.5 से 1.0 परसेंटेज है। आपने कहा सर इसका ऑफ टीएलसी, इसका लीस्ट परसेंटेज है, सबसे कम पाई जाती है, लीस्ट परसेंटेज है, सबसे कम पाई जाती है। ये देखिए डीएलसी का सबसे कम परसेंटेज है इस सेल का। अगर आप इसका न्यूक्लियस देखें, न्यूक्लियस देखें तो इसका न्यूक्लियस जो है 3-लोब्ड है, मतलब इसके न्यूक्लियस में आपको 3 लोब दिखाई पड़ेंगे। कैसे दिखाई पड़ेगा, अगर आपने सेल बनाई तो आपको इसमें 3 लोब का न्यूक्लियस दिखाना पड़ेगा, फिर आपको इसके साइटोप्लाज्म भर देना पड़ेगा। अगर आपसे इसका फंक्शन पूछा जाए कि भाई इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करती है ये, तो आप कहेंगे सर इसके फंक्शन के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप दो बातें लिखे, क्या लिखे इसके बारे में। अगर आप लिखना है इट सिक्रीट्स, ऐसे लिखे इट सिक्रीट्स हिस्टामिन, हिस्टामिन पहला केमिकल, एनसीईआरटी मिलाना है आपको, सीरोटोनिन दूसरा केमिकल, और एक और केम लिखा है हिपेरिन। ये 3 तरह के केमिकल्स रिलीज करती है एंड इन्वॉल्व्ड इन, एंड इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी बैरियर। अगर आप एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको एनसीईआरटी में ये पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगी। क्या क्या सिक्रेट करती है, हिस्टामिन सीरोटोनिन हिपेरिन सिक्रेट करती है और इन्फ्लेमेटरी बैरियर में इन्वॉल्व होती है। लोग कहते हैं सिमिलर टू मास्ट सेल, जो मास्ट सेल है उसके ये सिमिलर दिखाई पड़ती है। मस्त सेल जो होती है जो एलर्जी में इन्वॉल्व होती है उसके जैसे ये सेल एक्टिविटी है इसकी, वेसोफिल्स का। इसके बाद जो अगली सेल है ये 2 नंबर की सेल्स हैं, पहले न्यूट्रोफिल्स पर है दूसरा वेसोफिल्स, तीसरा जो सेल है उस सेल का नाम एसिडोफिल है, एसिडोफिल्स है। ये देखिए एसिडोफिल्स कहते हैं इसको, या इसी को हम लोग इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, जो आपका मन का है आप लिख लें, एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स कहते हैं, 2 नाम है इसके। क्यों नाम इसके एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, अब आप चाहे दिमाग खुद भी लगाएं, बोले सर स्टेन बाई एसिटिक डाई, स्टेन बाई कौन सी डाई, एसिटिक डाई। क्या नाम है उस डाई का, एसिटिक डाई का, आप कहेंगे सर अभी आपने ऊपर पीछे लिखा है उस डाई का नाम इओसिन है। ये डाई है जिसको आप डालेंगे तो ये सेल आपको दिखाई पड़ेगी, एसिटोफिल्स या इओसिनोफिल्स दिखाई पड़ेंगी। इनकी जो सेल में परसेंटेज है एसिटोफिल्स की ये 3-4% है ऑफ डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का 3-4% है, यही आप कहेंगे। अगर आप इनका न्यूक्लियस देखें तो इनका जो न्यूक्लियस है ये बाइलोब्ड है,
बाइलोब्ड है, मतलब आप जैसे अपने सिर में हेडफोन लगाते हैं, कुछ ऐसे डिप्रेस दिखाई पड़ेगा। आप ऐसे सेल बना दें, इस सेल के अंदर आप ऐसे बढ़ा दें, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा इनका फंक्शन। अगर आप इनका फंक्शन देखें, फंक्शन तो ये देखिए, इन्वॉल्व्ड इन एनर्जिक रिएक्शंस, इन्वॉल्व्ड इन एनर्जिक रिएक्शंस, ये एनर्जिक रिएक्शंस में काम करती हैं। मतलब हमको जब एनर्जी होती है तो उस समय ये काम करती हैं। और भी अगर आपको डीप पे जाना हो तो ये देखिए, अस्थमा में, अस्थमा दमा रोग में और हे फीवर में, एक खास तरह का फीवर है, अस्थमा में और हे फीवर में ये जो वेसोफिल्स हैं, ये जो वेसोफिल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मतलब अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं और आपका ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है 3-4% बजाय कुछ और बढ़ जा रहा है, उस समय आप जान लीजिए कि आपको एलर्जिक रिएक्शन है। जब आपको बुखार आता है, आप छींकते हैं, आपको खांसी आती है, तो उस समय ग्रीन सेल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इनके साथ साथ एक खास तरह की एंटीबॉडी है, आईजीई उसका नाम है, उसका भी कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अस्थमा और हे फीवर में या एलर्जिक रिएक्शन में किस लिकोसाइट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो जवाब होगा आपका कौन सी सेल्स है, वो उन सेल्स का नाम एस्ट्रोफिल्स है। ये तीन तरह की सेल्स है जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में माइलिन ग्रेनुल्स पाया जाता है। दूसरी जो टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स के बाद, जो दूसरी टाइप है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स है। इन्हें ए ग्रेनुलोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइलिन ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सारे इनको ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो इनमें जो पहला टाइप है, अगर आपने देखा तो जो पहला टाइप है उसे हम लोग मोनोसाइट्स कहते हैं। ये इसकी पहली टाइप है मोनोसाइट्स। ये देखिए मोनोसाइट्स जो है लार्जेस्ट साइज एमंग आरबीसी, एमंग डब्ल्यूबीसी, लार्जेस्ट साइज एमंग डब्ल्यूबीसी, मतलब जो पांचों तरह की डब्ल्यूबीसी है उनमें सबसे बड़ी साइज इसी की होती है। ये सबसे पहले आपको याद करना है, छोटे मोटे प्रश्न क्वेश्चन जो होते हैं उससे ये पूछा जाता है कि मोनोसाइट की साइज सबसे बड़ी होती है, मोनोसाइट्स की साइज सबसे बड़ी होती है जितने भी पांचों तरह की पाई जाती है। अगर आप इनका परसेंटेज देखें तो ये 6-8% ऑफ टोटल डीएलसी का 6-8% बनाती है, 6-8% बनाती है, ये दूसरी इनकी बात है। अगर आप इनका न्यूक्लियस देखें तो इनका जो न्यूक्लियस है ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये बीन या किडनी शेप्ड है। वैसे भी किडनी आप जानते हैं ना कि बीन शेप्ड होती है, तो किडनी शेप्ड या वेन शेप्ड किडनी पाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि किस सेल का जो न्यूक्लियस है वो किडनी जैसा है, तो आप ऐसे बीन शेप्ड बना दें और दिखाएं कि सर ये इसका न्यूक्लियस है, ऐसे आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा। इस सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है ये, इसका न्यूक्लियस आपको वेन शेप्ड दिखाई पड़ेगा। ये तीसरी बात हो गई सेल का, तीसरी सेल की बात हो गई। तो अब आपको मैंने परसेंटेज बता दिया, साइज सबसे बड़ी है, न्यूक्लियस की बता दी। अगर इन सेल्स का मॉडिफिकेशन हो जाए, मतलब ये मॉडिफिकेशन हो जाए तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे इसी मोनोसाइट को हम लोग कफर सेल कहते हैं, कफर सेल कहते हैं कहां पर, लीवर में, लीवर में ये कफर सेल कहते हैं इसको। ये देखिए पहला काम हो गया, कफर सेल कहते हैं लीवर में। इसी को हम लोग डस्ट सेल कहते हैं, इसी को हम लोग डस्ट सेल कहते हैं कहां पर, लंग्स में। इन्हीं को हम लोग माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं कहां पे, ब्रेन में। अब देखिए आप इनको ब्रेन में हम लोग माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं, ये सब इसके अलग अलग मॉडिफिकेशन है। डस्ट सेल कहते हैं, माइक्रोग्लायल सेल्स कहते हैं, इसके और भी सारे नाम है। अगर आप देखें तो इसी को ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं कहां पे, बोन्स में, बोन्स पे कहते हैं। इसी को हम लोग स्प्लीनोसाइट्स कहते हैं, स्प्लीनोसाइट्स कहते हैं कहां पे, स्प्लीन में, स्प्लीन में कहते हैं, ये देखिए स्प्लीन में कहते हैं। इसी को हम लोग हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, ये देखिए इसी को हम लोग हिस्टियोसाइट्स कहते हैं कहां पर, कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में, ये देखिए
एस्टिओसाइट्स कहते हैं कहां पे, कनेक्टिव टिश्यूज में। और देखिए इसी को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं, कहां पे, टेस्टिस में। टेस्टिस में इसी को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नाम कफर सेल है, डस्ट सेल है, माइक्रोबायल सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, स्प्लेरोसाइट सेल है, एस्टिओसाइट सेल है और सर्टोली सेल है टेस्टिस में। ये अलग अलग इसके मॉडिफिकेशन है, अलग अलग लोकेशन में पड़ी हुई है। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो सेल है ये लाइसोसोम रिच है, मतलब इनमें लाइसोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है, लाइसोसोम रिच है। और अगर आप ध्यान से इन सेल्स के नाम देखें जो लिखा गया है, कफर सेल, डस्ट सेल, हिस्टियोसाइट, माइक्रोग्लाइसिस, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, स्प्लेरोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स, सर्टोली सेल्स, तो अगर आप इनका सीधा फंक्शन लिखें, मैं आपको घुमाना नहीं चाहता हूं, घूमेंगे आप अपने मन से, जब आप डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दुनिया में जाएंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये जो सेल्स हैं ये फेगोसिटिक इन नेचर है, मतलब आप देखें बॉडी में जहां पर ये पड़ी हुई हैं वहीं पर फेगोसाइटोसिस करती है। और आपने पहले पढ़ा है कि जिन सेल्स में फेगोसाइटोसिस होती है उन सेल्स को हम लोग, उन सेल्स में लाइसोसोम ज्यादा पाया जाता है। इसके सिवा इसकी जो दूसरी टाइप है उस सेल का नाम लिम्फोसाइट है। ये देखिए लिम्फोसाइट है, ये दूसरी सेल है लिम्फोसाइट। अगर आपको लिखना है तो ये पांचों में स्मॉलेस्ट एमंग डब्ल्यूबीसीज, एमंग डब्ल्यूबीसीज मतलब जो पांचों तरह की डब्ल्यूबीसीज हैं उनमें सबसे छोटी लिम्फोसाइट पाई जाती है। साइज का फर्क देखें, ये सबसे बड़ी साइज की है, सबसे छोटी साइज की है। दूसरा अगर आप देखें तो ये 20-25% बनाती है ऑफ डीएलसी का। और अगर आप देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट परसेंटेज है, सबसे बड़ा परसेंटेज इसका है न्यूट्रोफिल्स का, सेकेंड बड़ा परसेंटेज लिम्फोसाइट्स का है। अगर आप इसका न्यूक्लियस देखते हैं तो इसका जो न्यूक्लियस है ये ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड न्यूक्लियस है, मतलब अंडे जैसा न्यूक्लियस है। एक खास बात और है इसके न्यूक्लियस की, अगर ये शेल है, अगर ये शेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है काफी बड़ा होता है। ये देखिए काफी बड़ा न्यूक्लियस है इसका, ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको न्यूक्लियस इसका, मतलब न्यूक्लियस शेल के अंदर काफी बड़ा दिखाई पड़ता है। इसके फर्दर दो टाइप होते हैं दोस्त। अगर आप इसके टाइप देखें, टाइप्स देखें तो एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं वी लिम्फोसाइट्स, ये देखिए बी लिम्फोसाइट्स। दूसरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये दो तरह के इसके टाइप हो गए। और अगर डीप में जाएं तो ये बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। जब ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स एबीसी यहां पे याद कर सकते हैं, तो ये बनाती हैं एंटीबॉडी, कौन सी मैंने पहले कई बार पढ़ा दिया है, ये बनाती है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सॉरी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती है बॉडी में, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, शॉर्ट में इसको AMIS कहते हैं। ये देखिए ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये भी देती हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, टी हेल्पर सेल नाम है, टी हेल्पर सेल नाम है, ये ऐसे अलग अलग इसके टाइप है, टी किलर सेल नाम है इनके, बहुत ही फर्दर टाइप है इसके, टी किलर सेल है, टी सप्रेसर सेल है, ये इसके अलग अलग टाइप है, सप्रेसर सेल है। ये देखिए ये जो बनाती है उस इम्यून सिस्टम को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, मतलब एंटीबॉडी बनाती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाती है। मतलब दो तरह की इम्यून सिस्टम बॉडी में लड़ रही है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी द्वारा लड़ा जा रहा है पैथोजन से, और दूसरा जो है सेल के द्वारा लड़ा जा रहा है। अगर आप इनका फंक्शन देखें, फंक्शन अगर आप देखें तो फंक्शन हो गया इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करती है, मतलब अगर बॉडी में किसी भी पैथोजन का अटैक हुआ तो उस पर ये काम करती है, रिस्पॉन्स देती है। तीसरी तरह की जो सेल्स है, लास्ट में बड़ा सा लिख देता हूं मैं, ये देखिए थ्रोम्बोसाइट्स है,
ये अलग सेल है, यहां से आप इसको बंद कर दें, नहीं तो आप इसी में पढ़ लेंगे, इसको दिक्कत हो जाएगी, फिर आप गलत फलत कहीं बता देंगे, हमारी बेइज्जती होगी और हमें अपनी बेइज्जती पसंद नहीं है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। ये देखिए, जब आपको कभी अगर डेंगू हुआ होगा तो डॉक्टर इसको लेके बड़ा एक्टिव रहता है, प्लेटलेट काउंट तो नहीं गिर रहा भाई। तो प्लेटलेट्स के बारे में एनसीईआरटी ने टोटल कितनी बातें लिखी है, मैं सारी बातें आपको सिखा देता हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने इसके बारे में पहला कमेंट लिखा है कि ये सेल फ्रेगमेंट है, मतलब ये कंप्लीट सेल जैसे नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जैसे शीशे के टूटे हुए टुकड़े होते हैं ऐसे दिखाई पड़ते हैं। फिर देखिए, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन, अगर आप इनकी ओरिजिन देखें, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ बोन मैरो, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में खास तरह की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका जिनसे इनका फॉर्मेशन होता है, और इन सेल्स का नाम है, अगर सेल्स का नाम देखें एनसीईआरटी आप मिला लीजिएगा, उन सेल्स का नाम मेगा कैरियोसाइट्स है। ये देखिए, मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में खास तरह की सेल्स हैं जिनके जिनसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप इनका काउंट देखते हैं, आप एनसीईआरटी फिर से मिलाएंगे, इसलिए मिलाएंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए, इनकी काउंट जो है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड है। ये देखिए, पर क्यूबिक एमएम ब्लड में इनका काउंट है 1.5 लाख से 3.5 लाख। अगर आप इनकी प्लॉयडी देखें, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन आपको आना चाहिए, इनकी प्लॉयडी 64N टाइप होती है। बहुत अजीब बात है, इतना ज्यादा प्लॉयडी बहुत रेयर सेल्स की होती है, 64N टाइप, में बता भी नहीं सकता हूं कौन सी, इसका नाम क्या देंगे, पेंटाप्लॉयडी, हेक्साप्लॉयडी, तो सब गायब हो गया। अगर आप इन सेल्स का फंक्शन देखें, अगर इन सेल्स का फंक्शन देखें तो इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन, चाहे आप कोगुलेशन लिखें और चाहे ब्लड क्लॉटिंग लिखें, बात एक ही हुई मेरे दोस्त, मेरे यार, आगे वाली बात आप समझ लें, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करती हैं। ये देखिए, एनसीईआरटी ने लास्ट में चलते चलते मोहब्बत में एक बात कह दी कि अगर प्लेटलेट्स काउंट घट जाए तो क्या होगा, अगर प्लेटलेट काउंट घट जाए तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे एनकेटी होगा, ब्लड की क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, खून बहता रहेगा, आंसू निकलते रहेंगे और प्लेटलेट काउंट घटता रहेगा।